शिक्षित लोग हैं यीशु मसीह के नाम। और जो लोग मिड नाइट प्रेयर में शामिल होते हैं, आपको पता है आधी रात को लोग जादू टोने करते हैं, लेकिन जब मसीह लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, जादू टोने भाग जाया करते हैं यीशु मसीह के नाम। लिखा प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय में कह रहा, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। कह रहा मुझे नापने के लिए डंडा नहीं, एक सरकंडा। सरकंडा मीन्स एक गांव में एक हरा हरा सा, वो बहुत लंबा लंबा सा पीला सा डंडा बाहर आता है, उसको बोलते सरकंडा। आपके लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर ने एक सरकंडा दिया एक स्वर्गदूत को, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी में, जो वेदी के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आज उनको आशीष देने के लिए नाप ले आज यीशु मसीह का। आमीन। कह रहे हैं कि इसका मतलब परमेश्वर नापता है उन लोगों को, देखता है जो लोग आराधना करने के लिए यहां पर आते हैं। आप परमेश्वर की नजर में है तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपने पढ़ा ना, लिखा ना एक जगह पर, लोग लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में है। जितने आराधना कर रहे थे, घंटों घंटों आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने ये पौलुस और सिलास को ये बात बताई थी कि जब आराधना करते हैं तो बंधन टूट जाया करते हैं। आमीन। उन्हें एक रात जेल में डाल दिया गया, उन्हें कुछ नहीं सूझा। वो टेलीफोन लगाना है पास्टर को, नहीं 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 नहीं, एक ने कहा होगा टेलीफोन लगा यार पास्टर को प्रे टावर पर, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन पौलुस और सिलास को पता था, कहता कि हम अब आराधना करेंगे, मंड कर आराधना करेंगे, मंड कर करा गीत गाएंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर की। बंधन टूट जाएंगे। जब उन्होंने गाया बजाया और उसी समय वो जेल की संगलें, वो ताले टूट गए यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? कह रहा कि आप किसी बंधन में हो सकते हैं, आप किसी परेशानी में हो सकते हैं जब आप आराधना कर रहे होते हैं। हो सकता है आप किसी पाप की गुलामी में फंसे हो, हो सकता है कोई पाप आप पर जोर डाल रहा हो, आप उसकी कैद में हो, आप छूट ना रहे हो, नशे में, आप किसी भी चीज में, हो सकता है कि आज आप बंधे हुए हो, लेकिन आपका मन कर रहा हो बाहर निकलने का, लेकिन कोई आपको कर्जे में फंसा रहा हो, कोई जादू टोना आपकी पत्नी को, आप ब्लैक मैजिक कर रहा हो, आप जगह जगह चक्कर काट रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा जब आराधना मंड कर करेंगे आज, कह रहा बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बीच में स्वर्गदूत घूमेंगे आज, आपको चंगा करके जाएंगे। कौन आएगा स्वर्ग से आज? हालेलुया। आप गलत कह रहे हैं, किसी को नहीं बाहर निकालेंगे, सब रोक दें, स्टॉप, जब मैं आऊंगा अपने आप निकालूंगा। सुनना ध्यान से, यीशु नहीं आएगा आपको स्वर्ग से आज चंगा करने, आपके काम बनाने। उसका एक मैनेजमेंट है। अगर आप प्रधानमंत्री या एमएलए बन जाए तो कौन आएगा डोर खोलने आपके लिए? कौन आएगा? अगर मेरे घर में आकर देखोगे, आप बेल बजाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे सेवक लोग आपका डोर खोलने के लिए आएंगे। समझ में आए? तो यीशु मसीह का मैनेजमेंट बहुत बड़ा है आपके लिए। डोर खोलने के लिए उसने एंजल भेज दिए आज यीशु मसीह के नाम में। किन किन के लिए जो है आराधना कर रहे हैं, उनके लिए डोर खुल रहा है। अपने हाथों को उठाते हुए गाओ, आज रूह आ रही है। मेरे दिल में बस जा, मेरे दिल के बगीचे में आ, मेरे दिल के बगीचे में आ। रूह से भर कर गाएंगे आज। चेंज कर इसी समय, विश्वास से अपने कोर्स गाएं सब, अपनी आत्मा में होकर पुकारें आज। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे इनको। एक दिन बुलाना सबको, ढोल वालों को इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, इस समय पवित्र आत्मा काम करेगा। यीशुआ, दिल की गहराई से गाएं आज। पवित्र आत्मा छूना चाहता है, आत्मा से पुकारे आज, मेरा प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। इस गीत में हर एक जन बीच में आज वो कह रहा है अपने लोगों से, मन की बात खोल दे आज। इस गीत में जितने अपने मन की बात खोल रहे हैं, यीशुआ हमारे बीच में।
ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे सब कहे प्यार किया। विश्वास दिलाया आज परमेश्वर को, आज वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, विश्वास है। पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, उसके बलिदान को याद करें आज। विश्वास से कहें आज, दर्द खत्म हो जाएगा आज, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आज। वो यहाँ है मेरे और आपके बीच में। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा, अपने हाथों को उठाते हुए, सुरक्षित नहीं ऐ खुदा। अबला बाशा बला बाबला बाशा बला बाबला बाशा बला बाबा, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे विश्वास से कहे प्यार किया। वो यहाँ पर है, वो छूना चाहता है अपने लोगों को आज। पवित्र आत्मा प्यार किया, यीशु 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 तू जला दी खुदा, यीशु 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 तूने शाफी खुदा, जोर से यीशु यीशु तू जला दी खुदा, यीशु 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 तूने शाफी खुदा, यीशु 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 तू जला बला बा शबला बा बला बा शबला बा, ओ राजा रबसना यो रे 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 पवित्र आत्मा तू छू ले आज, अपने लोगों को छू ले, अपने बच्चों को छू ले, अपने बच्चों को छू ले आज, अपने बच्चों को छू ले आज। हाँ पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ्य यहाँ पर है आज, तेरा हाथ इन लोगों के पर आए आज, छू ले आज। पवित्र आत्मा सुख हमारे बीच में, विश्वास है गए आज। पवित्र आत्मा तू आख हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू आख हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू आख हमारे बीच में, विश्वास से कहे आज। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में है, वो कह रहा है ऐ मेरा बेटा ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल ले आज। मत शर्मा मत शर्मा, अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ, शाबाश। अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा तू आख हमारे बीच में, पवित्र आत्मा बीच में, यीशु आप पवित्र आत्मा छू ले आज, तू छू ले आज, तू छू ले अपने लोगों को। पवित्र आत्मा ताड़ियों की भेंट चढ़ाए आज, अपने हाथों को उठाओ, अपने जुबान से कहो आज, पवित्र आत्मा हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए, अपने हाथों को उठाते मैं कहूँ, मेरी जान भी है। आत्मा आपसे बात कर रहा है इस कोर्स में, आप अपने मन की बात कह दो आज। मेरे लिए आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, मेरी जिंदगी, वो कहता है कि आज दो मिनट के लिए इस कोर्स में अपने मन की बात आज परमेश्वर के सामने खोल दे आज, खोल दे परमेश्वर के सामने आज। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐ मेरा बेटा ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, वो आज आपकी विनती को सुनना चाहता है। याद रखना, जब आप गीत गाते हैं तब स्वरदूत नीचे उतरते हैं, जब आप गीत गा रहे हैं आराधना कर रहे हैं दाएं बाएं नहीं, क्योंकि एक यहोवा का बब्बर शेर यहाँ आया हुआ है। अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा, शेर जानता है अपना शिकार कैसे करना है,
ऊपर की ओर मुंह करके वो परमेश्वर से आहार मांगता है अपने लिए। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को अपने दिल की बात बता दो। आज वो मेरे अंदर से होकर आज आपसे बातें करना चाहता है। वो आज आपको, आपके टूटे हुए हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। आज आप किसी भी समस्या में, आराधना के अंदर स्वर्ग खुला होता है, परमेश्वर देख रहा होता है। इसमें स्वर्ग से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का सिंहासन यहाँ पर स्टेज पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। आज जितने लोग इस समय टूट रहे हैं, परमेश्वर को बता रहे हैं अपने दिल की बात, कह दे आज अपने दिल की बात, आसमान के खुदा, मैं बहुत टाइम से तेरे सामने हाथ उठा रहा हूँ। अगर कोई बहन यहाँ पर दुखी है, किसी का पति शराब पीता है, कोई बच्चा टेढ़ा है, आज वह पवित्र आत्मा के सामने आज रो रो कर आज बताओ। आज कोई माँ बनना चाहती है, पवित्र आत्मा कह रहा है हन्ना की तरह आज गिड़गिड़ाते हुए मेरे आराधना वाले भवन में आए। आज परमेश्वर अपने लोगों को आज सच में उद्धार देना चाहता है, वो छुटकारा देना चाहता है। वो एक एक जन को छू रहा, आज टच कर रहा है। आज विश्वास से कहें, वो आ रहा है, वो मेरे और आपके बीच में है। अपने मन की बात जो आप किसी को बता नहीं सकते, इस समय परमेश्वर को बताएं। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आज मन खोल दो। आज कोई तुम्हें सता रहा है, कोई तुम्हें चर्चाने से रोक रहा है, कोई तुम्हारे दिल की बात समझ नहीं रहा है। आज वो तुम्हारी नामधराई को लेना चाहता है, वो आज तुम्हारी बीमारियों को लेना चाहता है, जो अगर आप ठुकरा दिए गए हैं। आज परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। ये टाइम है, ये टाइम है, ये राइट टाइम है परमेश्वर से बातें करने का। ये राइट टाइम है उसको दुख बताने का अपने, राइट टाइम है ये। इस समय पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है आराधना के बीच में। जो लोग मन खोल रहे हैं परमेश्वर तुमको देख रहा है, जो लोग अपने मन की बातें बाहर ला रहे हैं तुझे, पवित्र आत्मा तुझे देख रहा है। आज दृष्टि कर इनके ऊपर, इनकी समस्याओं के ऊपर, आज टूटे हुए लोगों की ओर जो हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, जो गिड़गिड़ा रहे हैं तेरे सामने, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छू ले आज। सुरक्षित नहीं खुदा, आज परमेश्वर इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनकी बीमारियों को, आज जो कर्जे में है, किसी प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा जी आज हाथ उठा रहे हैं, पिता परमेश्वर इन्हें तू छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुटकारा मिलने पाए, अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर, जो भी कोई जन इस समय हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा, विनती कर रहा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा मैं इनकी ओर हाथ करके नया आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शांति का आशीर्वाद आने पाए, सफलता का आशीर्वाद आने पाए, बंधन टूटने पाए, आज से कर्जे के शराब जाने पाए, बीमारियों के शराब जाने पाए, जो ऑनलाइन देख रहे वो छुटकारा पाने पाए आज, आज बंधन टूटने पाए। जब इन्होंने प्यार रखा है पवित्र आत्मा जी, आज इसी गेट में एंट्री की है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनके बड़े बड़े काम आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, सच में बंद पड़े डोर तूने खोल दिया, आमीन बोलने वालों के लिए आज। आमीन। रास्ते खुल रहे हैं, जो ताड़ी बजा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो और इसी समय बैठ जाए। शाबाश, पवित्र आत्मा यहाँ है। जितने लोगों ने आराधना की है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRS, GH और KL से हैं, उन्हें परमेश्वर एक नई कार की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप रिसीव कर सकते हैं इस बात पर? मुझे गुस्सा आता है। आत्मा कहता है, कह रहा है परमेश्वर को एक जलन होती है, आत्मिक जलन, जब उसके लोग चिल्लाते नहीं है, जब उसके लोग रिसीव नहीं करते, जब उसके लोग सुस्त रहते हैं, आत्मा को जलन होती है। आत्मा चाहता है अंदर से कि उसके लोग रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। जब मैं हैदराबाद गया, मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ, कितने लोग देख रहे थे लाइव? देख रहे थे? आप अपने पादरी को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं? आपका लाइव देखना, अपने स्पिरिचुअल फादर को सपोर्ट करना। देखो 500,000 लोग वहां पर आए,
फर्स्ट टाइम, और ये एक मुस्लिम इलाका है। आपने देखा मुस्लिम लोग भी अपने बच्चों को व्हील चेयर पर स्टेज पर लेकर आए हुए थे और वो चंगा होकर गया। यस हालेलुया। यस आप समझ रहे हैं, देखो वहां की न्यूज में छपा, वो दूर तक पूरा ग्राउंड स्टेडियम भरा हुआ था और न्यूज में छपा वहां की करके 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रॉफिट बजिंदर ने वहां कर। हालेलुया। कह रहे कि इतने आश्चर्य कर्म हुए, परमेश्वर काम करता है। आप बहुत देखा आपने, मैंने एक दो को प्रार्थना करने के लिए स्टेज पे बुलाया, इधर से इतनी सी जगह छोड़ी बस मेरे पास, इतनी सी स्टेज पर मैं गिरने वाला था। वहां के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा, उठा के स्टेज पर ही आगे, पहली बार आए ना, उनको पता ही नहीं स्टेज क्या होती है। चले आए, कह रहे हमारे सिर पे भी हाथ रख, हमारे सिर पे भी हाथ रख, ये चंगे हो रहे हैं, हमारे सिर पे भी हाथ रख। हालेलुया। लेकिन बहुत लोगों को देखो, गवाहियों पर गवाहियां आ रही हैं, पाइप लगी हुई है मुंह पर, व्हील चेयर पर हैं, चल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। और वो लोग बोल रहे थे, अभी हैदराबाद के लोग वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, जो पहली बार चर्च में आए हैं, जिनके पति चर्च नहीं आते थे, वो भी पहली बार देखकर मुझे फ्लाइंग किस देकर जा रहे थे। इतना जोश था उन लोगों में, वो लाइव देखते होंगे, इतना जोश था उन लोगों में, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे, प्रोफेसी में परमेश्वर का आदर कर रहे थे वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा सच में वहां बहुत बड़ी हीलिंग हुई। आज आपकी बारी यीशु मसीह के नाम में है। गुड न्यूज, जब आप इस प्लेस पर आए हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बेटा नहीं है, सिर्फ वो आएंगे, वो लेडीज सामने, आज मैं उनको खुद पानी पिलाऊंगा, लेकिन अगर आप लाइन लगाएंगे तो मैं नीचे आके पानी पिलाऊंगा आपको। और आपको पानी पीना है, लाइन लगानी है, कैसे आप समझाएं, क्वायर नीचे घुस जाओ फटाफट, पहले तुम खड़ी हो जाओ, फिर से कहो तेरे कर में मसाला, एक एक लाइन लगाऊं, मैं बीच में आऊंगा, ऐसे नहीं बीच में आऊंगा, मैं पहली लाइन पीछे, पानी पीछे भी आऊंगा मैं, मुझे गैप चाहिए, ठीक है, फिर से कहो यीशु तेरे कर में मसा, यीशु तेरे कर में मसा, दे मसा हालेलुया। आज किसको बरकत मिलेगी बताएं, जो चर्च में ऐसे बैठे हैं, आज उसको बरकत मिलेगी, बोले हालेलुया। ये बैठे हैं लेफ्ट साइड ऐसे, सारे बोले हालेलुया। ऐसे किसको मिलेगी बरकत, जो ऐसे बैठा रहेगा। आपको नहीं पता, जब स्वर्ग दूत, जब कोई बैप्टिज्म लेता है, स्वर्ग दूत ढोल लेकर स्वर्ग में नाच रहे होते हैं। yes. सुनो, जब चर्च आना होता है कोई व्यक्ति, ये बैप्टिज्म, ये फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, मैं बीच में पानी पिलाने आऊंगा आपको, खुद आपको ऐसे फटाफट पानी पीना है, टाइम आज मैं हाथ से पिलाऊंगा अपने, सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना है, और जो लाइन अगर आप गैप नहीं होगा मैं चला जाऊंगा। सुनना ध्यान से, जब एक व्यक्ति आराधना कर रहा होता है, आराधना कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता जितने लोग यहाँ आराधना कर रहे होते हैं उतने लोग स्वर्गदूत आराधना कर रहे होते हैं। yes. जो अपसेट बैठे होते हैं, स्वर्गदूत वहां पर खुश होकर नाच रहे होते हैं। जो खुश होकर नाच रहे हैं उनके स्वर्गदूत उतरते हैं, सारे बोले हालेलुया। तो आपको क्या करना, आज क्या करना है, नाचना है, प्रभु की महिमा करनी है। समझ रहे हैं कि नहीं, प्रभु की, आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, लेकिन ये याद रखना, आज भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो नाच रहे हैं, वो घर जाएंगे, कोई बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। यसुनु करता है प्यार बंदे, बूढ़े खड़े हो जाओ,
बुढ़े नचदा तू नाले ताड़ी मार बंदे ये ना जवान जवान की ड्यूटी नहीं है नाचना, बूढ़ों की भी ड्यूटी है। जो आपके पास में बुढ़िया मिले उसे खड़ा कर दो। हाँ हाँ विश्वास से मैं फिर कह रहा हूं, आत्मा खुश होता है जब आप नाचते हैं। आपको 6 दिन शैतान ने बीमार किया कि नहीं, निराश किया कि नहीं, पति ने चांटा लगाया कि नहीं? हालेलुया। और बेचारी ने एक ने भी नहीं बताया कि मुझे पति ने मारा है। आपको फिर कह रहा हूं, जब तक आप आनंदित नहीं होते, नीति वचन भजन संहिता 15:15 में भी लिखा, क्या लिखा? शौक तुझे याद होना जाना चाहिए। अब तक काला कोट पहन के मेरी तरह घूम रहा है यहाँ पर, सुन रहे हो? मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन के आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। और बाइबल बोलती है कि मैं तेरे मुख के प्रकाश को चमकाऊंगा। yes. इसका मतलब परमेश्वर आपके फेस को चमकाना चाहता है। yes. शैतान आपके फेस को बिगाड़ना चाहता है। जो आज नहीं नाचेगा उसके फेस पे पिंपल हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही कहना पड़ेगा। हालेलुया। फिर क्या कह रहा हूं, आपको नाचना है, झूमना है, आपको प्रभु के लिए, आप किसी अपने पति के लिए, बच्चों के लिए नाच रहे हैं, बेइज्जती करें कोई करे, लेकिन दाऊद गली में ऐसे नाचता था नुक्कड़ पर, वो कहते थे ओए राजा, राजा नाच रहा राजा। जिस औरत ने उसकी बुराई किया वो सारी जिंदगी मर गई ऐसे, उसको बच्चा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? आपको शर्माना नहीं है? मुझे पता है इंडिया का कल्चर ऐसा ही है, खुद पैसे दे के डीजे वाला बुलाते हैं फिर कहते तू नाच तू नाच। तो अभी आपको समझना है, पैसे आज प्रॉफिट बजेंद्र ने दिए डीजे वाले को, लेकिन आज प्रभु के लिए सबको नाचना है। डोर खुलेगा आज, तू यसु बड़ा काम। बच्चे नशे से आजाद हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम सीधे हो जाएंगे। नाचते हुए सारे बोलो हालेलुया। देखो जब तक पादरी को मजा नहीं आएगा आज मैं किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। मैं एक बार शादी में गया था तो दूल्हे को घोड़ी से उतर, कहता मैं नहीं उतरूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता मजा नहीं आया, मेरे दोस्त नाच नहीं रहे हैं। घोड़े पर यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। सुन रहे हो? व्हाइट घोड़े पर बैठा वो आ रहा है घोड़े पर। आपको नाचना नहीं आता तो घोड़ा चलाना आता है आपको? रस्सी पकड़ो, बस ऐसे ऐसे करते रहो। जिसको लस्सी निकालनी आते बस वैसे करते रहो, बस चलो लाइए 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 ऊपर ऊपर लाइए 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 तोते वांगू तोते वांगू तोते वांगू नचे के ओते नाम दी महिमा गाइए तोते वांगू नचे नचे के ओते नाम दी महिमा गाइए तोते वांगू नचे नचे के ओते नाम दी महिमा गाइए ओ गाइए गाइए ओ अपने हाथ को उठाइए आ चमत्कार होगा अबलाबा शबलाबा अबलाबा शबलाबा प्लीज कर परमेश्वर इनके हाथों को इनके नाचने को पवित्र आत्मा मदी महिमा गाइए नाचिके ओते रुचिचे ओते वांगू नाचिके ओते नाम दी महिमा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जो नाच रहे थे आज उनके बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप नाचेंगे और मैं आशीर्वाद देता जाऊंगा। पवित्र आत्मा ने कहा जा कर अब्राहम, करा जिसकी ओर तू आशीर्वाद देगा ठहर जाएगा।
मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी ओर मुंह करके आपको शांति का आशीर्वाद देता हूँ। सुनो, जो नाचेंगे और गाएंगे उनको आशीर्वाद मिलेगा आज। आपको विश्वास करना है, आपका नाचना एक एक्शन होता है। एक्शन, आप स्वर्गदूतों की नजर में गूंगे बहरे हो, ऊपर से देख रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी जा रही है ऊपर, आपका सिर्फ एक्शन जा रहा है। हेलो हेलो, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका सिर्फ एक्शन जा रहा है। जो नहीं बैठे कुर्सी पर उनका एक्शन नहीं जा रहा, जिनके हाथ नहीं उठ रहे, जेब से बाहर नहीं निकल रहे। जब हेलीकॉप्टर में अगर मैं जा रहा हूं और आप मुझे आवाज लगाओ, मुझे सुनेगी नहीं सुनेगी? 2025 में तैयार हो जाओ, तुम्हारे कोठे से हेलीकॉप्टर लेके निकलूंगा। सुनो सुनो, रोजा रोजा रोजा। मैंने एक बार देखा, एक सास ऐसे कर रही थी अपनी बहू को। मैंने कहा ये कौन सा डांस है? उसका मतलब होता है एक्शन, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब पता क्या होता है? क्योंकि क्या हुआ था, उस घर में बेटा हुआ था, और बेटा हुआ, सुन लो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, उस घर में बेटा हुआ था, और बेटा होने के बाद ढोल लेकर जब नाच रहे थे तो उसकी सास ऐसे कर रही थी पैसे चढ़ा के। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कहती बेटा साडा बहू पच जाए, बहू को पसंद नहीं कर रही थी, बस बेटे बेटे को पसंद कर दी। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आज अपनी सास के घर जाके अपने सास की तरफ कर, कैसे भी करो पर एक्शन करो, आज करो करो। आरी 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 यसूदेया यसूदेया। सास ने तो, सास ने बहू को भगाने के लिए ऐसे किया था, तुम क्या आज शैतान को बीमारियों को भगाने के लिए ऐसे करोगे? बोलो बोलो, करो करो करो। आरी 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 चल चल चल, आरी 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 यसूदेया यसूदेया लोका दी बस यसु मसीह ना दी आरी यसूदेया लोका दी बस यसु मसीह ना दी आरी जे तू यसु नो यसु नो यसु नो यसु नो जीसस आ ला 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 जीसस बंधन टूट रहे आज, ये सुनो ये सुनो, कर्जे के शराब जा रहे आज चर्च, ये सुनो ये सुनो, चलते रहे चलते रहे, किसी का बहुत बड़ा काम होने वाला है, सुनो बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ी हीलिंग होने वाली है। जाओ 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 एंजल जाओ प्लीज। प्यार बंदे बल्ले बल्ले हो गई अच्छी, बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले अच्छे हो गई बल्ले बल्ले। अपने हाथों को उठाओ, आसमान दे उते तले, आसमान दे उते तले, बोलो बोलो बोलो, आसमान दे उते तले, अपने हाथ उठाओ दे उते तले, और किसे ता ना ना चले, बल्ले 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 बल्ले, और लगा जोर लगा तो हो गई बल्ले 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 बल्ले, आसमान दे उते तले बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई बल्ले बल्ले, आसमान दे उते तले किसे कहो दे उते तले, और किसे ना ना चले, बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई। अपने हाथों को उठाओ आज इस समय, परमेश्वर जिन लोगों ने आज तुझे पुकारा नाच नाच कर तेरी महिमा की, पवित्र आत्मा इनके लिए डोर खुल जाए आज, एक बड़ा डोर बड़ा डोर बड़ा डोर बड़ा डोर, फाइनेंस का बड़ा काम बड़ा काम बड़ा डोर, चंगाई का डोर खुले, बरकतों का डोर खुले आज, बड़े फाइनेंस का डोर खुले, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुले, नई नई आशीषों का डोर खुले आज से, पवित्र आत्मा अन्य भाषा का डोर इनके लिए खुले खुले आज से, पवित्र आत्मा ये ग्रोथ करें यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। अपने हाथों को उठाओ जोर से, बोलो आमीन। विश्वास करना है, सब लोग बैठ जाओ और पानी की बोतल ले फटाफट, शाबाश। फिर से कम फिर से कम फिर से कम, बल्ले 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 अच्छे हो गई बल्ले 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 बल्ले
अज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते थले होर किसे दाना ना चले बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले बल्ले आंखें खोलो बाकी सब बैठ जाऊं बाकी लेडीज खड़ी रहे जिनके पास बच्चा नहीं है इसी समय कैमरे के सामने नहीं आएगा कोई मैं पानी पिला रहा हूं और देखो आपको क्या हो रहा है आंखें खोलना बंद नहीं करनी पकड़ो हाथ पकड़ के पानी भी सहारा मेरा तो कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है मैं तेरी राह पर चलता रहूं रुआ
अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाकी खुदा। अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाकी खुदा। पाक मानद मुझको बना दे, ऐ रूहे पाक खुदा। ऐ रूहे पाक खुदा, ध्यान से। पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था, ये पानी नहीं है। जब मैं पानी पकड़ रहा हूँ हाथ में, एक अभिषेक आ गया इसमें। जब मैं जिसको भी पानी पिलाया आज, उसको बच्चे हो गए यीशु मसीह के नाम, बंधन टूट गए। देखा आज जब आप पानी पी रहे हैं, आपके अंदर से कुछ निकलेगा आज। अभी वो शैतान खत्म हो रहा है, दुष्ट आत्मा सताए हुए लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर
पाकी खुदा अपनी हजूरी से मुझको जिला दे ऐ रूहे पाक खुदा पाक मानिद मुझको बना दे ऐ रूहे पाक खुदा मुझको बना दे ऐ रूहे पाक खुदा ऐ रूहे पाक खुदा सिर पे हाथ रखो शाबाश बहनों पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन लोगों के लिए इसी समय प्रभु जी पानी पिलाया पवित्र आत्मा तो पानी पर मंडलाता था और सच में पवित्र आत्मा जी इन लोगों के जीवन में आज से आशीष आने पाए मेरे प्रभु गर्भ का फल इनके गोद में आने पाए आमेन
यहाँ से ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे आने पाए। यस, मेरे प्रभु में विश्वास करता हूँ, वो बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हर एक जन आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। यस, आमेन। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमेन। आमेन। गुड न्यूज मिले आपको, पीछों के बैठ जाओ, शाबाश, पीछों के बैठ जाओ, शाबाश। चलो चलो चलो, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, कमाई के टाइम में कमाई का शाबाश। यहीं बैठ जाओ पीछों के, जहाँ कहीं नहीं जाना, ये ड्रामे करने छोड़ दो। यीशु मेरे नालिक है, नालिक है यहोवा, 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 मेरे नालिक है। मेरी खुशियां थी कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाले, मेरी खुशियां थी कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाले। मेरी रूह अंदर है समाया जो, मेरी रूह अंदर है समाया जो, ओ यहोवा मेरी ताले है, मेरी खुशियां थी कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नाले, मेरी खुशियां भी कोई हद नहीं, सोना यीशु मेरे नालिक है, नालिक है यहोवा मेरे नालिक है, नालिक है यहोवा, अपने हाथ को उठा दो, नालिक है यहोवा मेरे नालिक है, नालिक है यहोवा मेरे नालिक है। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 आमीन। यस, हालेलुया 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 हालेलुया। पासी सिस्टर अपने हस्बैंड की गवाही दे रही हैं, बता रही हैं कि लिवर डैमेज हो गया था और डॉक्टर ने, ये टोटली बेड पर चले गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन इनको किसी ने परमेश्वर के नाम के बारे में बताया और ये चंडीगढ़ जैसे चर्च आए और इन्होंने स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे परमेश्वर ने इनको नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। Hallelujah, 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 amen. Doctor ji, jawab de diye. Aao. क्या प्रॉब्लम? सारी कलसिया की जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया, लीवर हमारा डैमेज हो गया था, हमारे बहनोई ने यहाँ बताया, हम यहाँ पे आए, हाँ, स्पेशल बीज बो करके हैंड फ्री करवाए, उसके बाद में हमारा रिपोर्ट नॉर्मल बिल्कुल आ चुकी है। हालेलुया, ताली बजाएं। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा था अब नहीं ठीक होगा, अब ठीक नहीं होगा, घर ले जाओ, सेवा करो। हाँ, हालेलुया हालेलुया। आप देख रहे हो ये फोटो लेके आया भाई, स्वेलिंग हुई पड़ी है पूरी बॉडी पर और खुद अपने मुंह से गवाही दे रहा है कि डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ, पर इस भाई ने बताया ये यहाँ पर आए,
ने बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और आज आपके सामने जिंदा सही सलामत और गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, बहुत लोग कहते हैं स्पेशल ले हैंड प्रेयर, पर इसने बोया, जो बोता है वो काटता है, आज ही अपनी चंगाई को काट रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितने तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, वो भी नॉर्मल रिपोर्ट को देखने वाले हैं। खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, खुदा रहा गे, खुदा रहा गे, ऊंचे सुर से गाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ। बस ये दोनों गवाहियां शुगर की हैं। ये सिस्टर बता रही इनको 8 साल से, और ये मैडम बता रही इनके हस्बैंड को 4 साल से शुगर था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, मेडिसिन खा रहे थे लेकिन आराम नहीं आया। विश्वास के साथ जैसे ही ये चर्च में आए, यहाँ से एनवेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज़ किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस सालों साल के शुगर से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। गवाही देंगे। जय मसीह की पास्टर जी को, मेरे बेटे को 8 साल से शुगर से, पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, मेरे बीरे ने बताया था चर्च के बारे में, तो मेरे बेटे को मैं स्पेशल ले हैंड करवाई और मेरे बेटे की 8 साल की शुगर बिल्कुल से आज़ाद हो चुकी है। आज़ाद हो चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है। इन्हें मैं जानता हूँ, और ये बहन, इनकी बेटी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती थी, ऐसे ही है। हाँ जी। कितने टाइम से लगा रही थी इंजेक्शन? 8 साल से। 8 साल से इंजेक्शन लगाती थी इनकी बेटी, पर आपके सामने आज ये प्रूफ है, रिपोर्ट। तालियों के साथ हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे सभी जन। नबी नबी खुदा दा, नबी 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 खुदा दा, नबी 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 खुदा दा, नबी 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 ओ वे खुदा, खुदा दा नबी 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 खुदा दा, 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 नबी नबी। आप बैठ जाएं, शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, परमेश्वर इस साल में आपके बच्चों का आदर कराएगा, आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ प्रॉफिट जी, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इनकी बेटी को शुगर थी, इस बहन को भी शुगर थी, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, आप इन्हें जानते थे। हाँ हाँ, अच्छा। और प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराई, स्पेशल बीज बोया, और उनकी बेटी की और बहन की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, जीसस, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, बोलो खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। यीशु आ रहा है, कौन आ रहा है? आपने सुना है शुगर का पेशेंट चंगा नहीं होता, शुगर के लिए बड़े इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन अब देख लो, कुछ भी ढिमका छिमका नहीं चलेगा, सिर्फ यीशु मसीह का लिमका चलेगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ आपके सिर पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसको शुगर है, थायराइड है, अपने सिर पर हाथ रखो। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने कहा शुगर थायराइड वाले पेशेंट इसी समय आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाएं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ 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 हाँ, बताएंगे शाबाश। जय मसीह की पापा जी, मेरी बेटी को 8 साल से शुगर थी, मैंने स्पेशल ले हैंड करवाई और मेरी बेटी 8 साल की शुगर से आज़ाद हो चुकी है, और मेरी बेटी को 4-4, 5-5 बारी इंसुलिन लगता था, डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर लिया था, हफ्ता हो गया, तो इस बार मेरी बेटी के शुगर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ,
सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने बेचारी गा रही है और प्रभु की महिमा कर रही है नीचे बैठकर, क्योंकि छोटी बात नहीं है। छोटे सी लड़की को अभी 15 साल की होगी, 16 साल की, इंजेक्शन लग रहे हैं, छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। फिर से कहो आप सुनेंगे ध्यान से, जब आप गाते हैं और बजाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, पता है आपको प्रतिफल मिलता है परमेश्वर की ओर से। और आपको विश्वास करना है कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। हाँ, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, जय मसीह की। पास्टर जी, मेरा नाम रेहान है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। मेरे पापा को पहले 4 साल से शुगर थी, फिर उसके बाद हमने प्रार्थना देखे थे हमने यूट्यूब पे, और अनॉइंटिंग वाटर तेल यूज़ करे और चंगे हो गए। हालेलुया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। कौन है महान? मैं क्यों घबराऊं, यीशु, मैं क्यों घबराऊं, यीशु जो सबसे महान है वो मेरे साथ है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ा। हालेलुया। प्रभु जी, सिस्टर बता रहे हैं कि हस्बैंड 3 साल से यूके के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन बार बार रिफ्यूजल आए। विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल लेकर के प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑनलाइन विश्वास किया, परमेश्वर ने यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया है। ओ तो दुवांगू जी नचे नचे के, तो दुवांगू जी नचे नचे के, ये सुधी महिमा का वागे। हालेलुया। आप बेटे कहाँ से आए, आप कहाँ से आए? पापा जी की जय मसीह की। पापा जी की क्या नहीं, यीशु मसीह की जय मसीह की, यीशु मसीह की जय मसीह की, सारी कलेसिया की जय मसीह की। ऐसा लग रहा है तू मेरे को कोस रही है। जी, मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ। और मेरे हस्बैंड 3 साल से यूरोप कंट्री का वीजा ट्राई कर रहे थे, मगर रिफ्यूज हो जाता था। और फिर मैंने यीशु मसीह की महिमा के बारे में किसी एक मेरी दीदी है और मुझसे बताई, फिर मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव्ड किया और मेरे हस्बैंड की यूके की वीजा ग्रांट हो चुकी है। जय मसीह की, जय मसीह की। जोर से तारीफ करें, शाबाश। नेपाल वालों की हिंदी कम आती है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुने कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पढ़े लिखे ही लोग बाहर जाते हैं। स्टैंड अप, तू अमेरिका जाएगी। कैमरे में दिखा इसको, आगे जा।